नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। जिले भर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत हम लोग हेलमेट, वाहन आदि की जांच तो करेंगे। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर जाकर अवेयरनेस कैंप और व्हीकल फिटनेस कैंप आदि भी स्थापित करेंगे। जिले उसका संदेश देना चाहेंगे। मैं सभी लोगों को यह बताना चाहूँगी कि सड़क दुर्घटना एक ऐसी घटना होती है जिसमें हम अपनी जान गंवा सकते हैं, और एक बार अगर आपकी जान चली गई तो फिर वो वापस नहीं आती। तो हमारी छोटी छोटी जो सावधानियाँ हैं, अगर हम उसको बरते तो कई लोगों की जान बचा भी सकते हैं और अपने लिए भी एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। आज इस भीड़ को देखने के बाद मैडम ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं इसके प्रति। निश्चित रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, हमें जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि आपकी जान की कीमत किसी भी चीज़ से उसको कंपनसेट नहीं की जा सकती है। तो इसके महत्व को हम समझें और अपने ही नहीं बल्कि दूसरों लोगों की जान की भी परवाह करें। इस दफा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। आज ये प्रथम दिन का कार्यक्रम था। प्रथम हम लोगों ने सभागार कलेक्ट्रेट के सभागार में इसका उद्घाटन समारोह मनाया। उसमें 3 लोगों को गुड समेटन का सम्मान दिया गया माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा। इसके बाद हम लोगों ने इसका एक रैली निकाला, जो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि लोग यातायात के नियमों को जानें, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को जानें और उसका पालन करते हुए स्वयं सुरक्षित रहें, राष्ट्र को सुरक्षित रहें। कितना दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये 17 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन का कार्यक्रम निर्धारित है, जो कि सब लोगों को बताया जा रहा है। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।